जी, वेलकम बैक टू जर्नी जॉय हब बाय ब्रार। वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। तो जैसा कि आपको पता है कि सैटरडे है, सैटरडे का मतलब अ व्लॉग फ्रॉम योर राजा भाई, फ्रॉम योर जर्नी जॉय हब बाय ब्रार। तो चलो जी, व्लॉग की कहानी पहले आपको समझाते हैं। तो गाइज, प्लान ये है कि अभी बुडापेस्ट में 2:30 बज रहे हैं, और अगर मैं आपको बताता चलूं, यहाँ सुबह बहुत जोरों शोर से बारिश हो रही थी, अभी भी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। आप देख सकते हैं पूरी सड़कें गीली हैं, दरख्तों को इन्होंने ग्रीन कर दिया है। सुकून है यार इस जगह पे रहने का, अलग ही वाइब है, अलग ही पीसफुल ये जगह है। तो बाकी बताएंगे आपको ये कि हमने प्लान किया था कि हम आपको बुडापेस्ट से बाहर आज लेके जाने वाले थे, लेकिन बारिश ने हमारा जो प्लान है वो वेस्ट कर दिया। तो फिर भी आपको पता है कि राजा भाई रुकने वाले नहीं हैं, तो मैंने अपनी गैंग को बोला, अपने बॉयज को बोला कि चलो यार बुडापेस्ट से बाहर, मतलब जहाँ हम प्लान कर रहे थे वो मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि वो सरप्राइज है आप लोगों के लिए। तो मैं आपको उस जगह का नाम तभी बताऊँगा जब हम आपको वहाँ लेके जाएंगे। तो अभी हमें प्लान थोड़ा चेंज करना पड़ा है। प्लान ये है कि अभी हम आपको लेके जाने वाले हैं सेंटेंडर, जो बुडापेस्ट से ऑलमोस्ट लाइक 45 से 50 मिनट के फासले पे है। तो मैंने अपने दोस्त को बुला लिया है, दोस्त अपना गाड़ी ले गया रहा है, गाड़ी भी वो वाली जो दिलजीत ने एक बार बोला था कि तेनू मिनी कूपर दिला दूंगा, वही अपने भाई के पास मिनी कूपर है। और बॉय को मैंने बोला कि यार आप गाड़ी लेके पहुंचो, बॉय अपना आ रहा है प्रतीक भाई, दवा एंड ओनली शाय गाय, जिसके लिए आप भी लड़की ढूंढ रहे हो और मैं भी। और ये कि एक और अपना दोस्त है जिसको मैं हमेशा बड़े हुए कहता हूँ, वो अपने मोराल, अपने अहलाक और अपनी एज में हमसे बड़े हैं, तो भी उनसे भी आपको मिलाएंगे, द वन एंड ओनली इदी भाई, यू नो बड़े भाई। वो इटली में मूव हो गए हैं कुछ महीने पहले, तो अभी वो जो हंगरी में इवेंट आने वाला है 2 दिन बाद, उसको जो है अटेंड करने आए। तो मैंने बोला कि चलो यार आपको अपने इदी भाई से मिलाते हैं, आपको बड़े भाई से मिलाते हैं, और वो इवेंट भी कैप्चर करेंगे जो इदरीस के अलावा हजारों लाखों लोग देखने के लिए दूसरे कंट्री से बुडापेस्ट में आए हैं। सो व्लॉग को पूरा देख लेना, पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चलो स्टेप बाय स्टेप आपको मिलाते हैं अपने मिनी कूपर वाले भाई से, अपने बड़े भाई से। शुभ को उठाते हैं, रेडी होते हैं और फिर निकलते हैं वहाँ पे जहाँ पे शायद आज वो हमें मिल जाए जो हमारी किस्मत में लिखी होगी। बाकी विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। जी गाइस, बताना आपको ये था कि आप देख सकते हो कि राजा भाई मतलब मोमेंट को, टाइम को सही तरह एंजॉय करते हैं। तो अभी सैटरडे चल रहा है आपको बताया, तो दोस्त हमारे अभी तक सो रहे हैं। रात को हमने काफ़ी शुगल मेला किया, पार्टी वार्टी की है, लेकिन मैंने कहा कि यारी अगर वो निभाते हैं तो यारी राजा भाई भी निभाने वाले हैं आपको बताएं। तो अभी यारी का सबूत ये है कि वो लोग सो रहे हैं, तो हमने पकोड़े बनाए हैं उन दोनों को सरप्राइज करने के लिए, ये पकोड़े लेके जा रहे हैं। तो चलो यार अंदर चलते हैं। सबसे बड़ी बात, मैं आपको पकौड़े दिखाना भूल गया, ये पकौड़े हमने बनाए हैं राजा भाई ने। तो आप सोचो कि यार अगर राजा भाई अपने दोस्तों के लिए ये कर सकती हैं, अगर दोस्तों के लिए ये बना सकती हैं, तो अगर वो आ गई वो फिर तो हैवी निज़ाम हो जाएगा। नहीं तो चलो यार बॉयज, चाय भी रेडी है, चाय हमने रेडी कर ली है, पकौड़े रेडी कर लिए हैं, और अभी अंदर लेके चलते हैं और दोस्तों को दिखाते हैं कि हमने उन लोगों के लिए क्या कुछ बनाया है। वेट एंड वॉच। राजा भाई क्या हो गया यार, आज फिर से ऐड लग रहे हो तुसी। उसी पे क्या बताऊं, दिल की कहानी यार ये है कि आज सैटरडे है, बड़ी याद आ रही उसकी यार। होए होए। तो चलो यार मैं आपको बताता चलूं कि सैटरडे है, इसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि आज के सैटरडे को जो है हम सेलिब्रेट कर सकें, इंजॉय कर सकें। बाकी प्रतीक भी बताना आपको ये है कि वहीं मिलेंगे उसी डिस्टेंस के साथ जो उसने मेरे और उसके बीच में रखा है। वे राजा भाई यहाँ पे भी आ गया यार। बड़े भाई मैं क्या बताऊँ यार, उसकी याद रहने नहीं देती। अभी देखो पकौड़े इंजॉय कर रहा था, लेकिन 2 पीस किए हैं, उसकी याद आ गई। ये वो पीस था, अगर वो साथ होती तो यहाँ उसको खिलाते, अब वो है नहीं है तो उसका पीस भी मैं इस हाथ से खाऊंगा।
तो बाकी ऑडियंस को बता दो यार अगली बाकी और नहीं ढूंढनी है। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो यार अभी हम लोग लिफ्ट के अंदर खड़े हैं, आवाज मेरी गूंजी रहेगी थोड़ा बर्दाश्त कर लेना। सीन ये है कि अपना दोस्त यार उसकी कॉल आई है मुझे, कह रहा है कि मैं पहुंचने वाला हूँ विद इन 1 to 2 मिनट्स। तो चलो यार नीचे चलते हैं, अपने बॉय से मिलते हैं, शुगर मेला करते हैं। यार मजे की बात है, मौसम पूरा खुल गया, बारिश हुई है, आज बड़ा हैवी मजा आने वाला है। मैं आपको पहले बता दूं हमारी जो सराउंडिंग है कुछ ऐसी है साफ सुथरी। जब भी हंगरी में बारिश होती है तो ऐसा लगता है कि जैसे यार नेचर ने सफाई कर दी है। तो अभी यार अपना दोस्त यहीं आसपास कहीं खड़ा होगा, तो चलो यार उसको स्पॉट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कहाँ पे खड़ा है। अगर आप लोगों को रेड एंड ब्लैक कलर की गाड़ी यहाँ पे दिख रही हो तो बता देना मुझे कमेंट्स में। यार सीन ये है कि बॉय अपने ने बोल दिया है कि वो आसपास ही है, लोकेशन उसने मुझे भेज दिया है, यहीं कोई 1-2 मिनट के फासले पे है। अभी हम उसको ढूंढ रहे हैं, एक गाड़ी वाले को ढूंढने और ऊपर से वो उसको ढूंढने जो पता नहीं कहाँ पे है, क्या करी होगी अभी। क्या कहते हो यार, मुझे लग रहा है कि मैंने एक रेड और ब्लैक गाड़ी देख लिया पहली। आई थिंक ये अपना लोंडा अपना बॉय आ गया यार। भैंस ब्रो कब से वेट करूं, कब से यार, कहाँ रह गए थे यार। बॉय अपना आ गया यार, जैसा कि आप देख सकते हो मिनी कूपर वही जो अपने दिलजीत पारी ने बोली थी कि तनु मैं मिनी कूपर दिला दूंगा। तो बॉय अपना आ गया ब्रो, कैसे यार। प्रदीप भाई इतना वेट करा दिया यार आपने, पता नहीं क्या सीन पड़ा यार। गोलियां कराते रहे तो आप भी हैं, कह रहे हो 2 मिनट 3 मिनट 20-25 मिनट हो गए वेट करते हैं ब्रो आपका। कैसा रहा आपका आज का दिन? सब मजे में यार। अच्छा तो अभी रेडी हो टूर के लिए? तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि आज हम आपको लेके जाने वाले हैं एक ऐसी जगह पे जो मेरे दिल के काफ़ी करीब है। जब हम हंगरी में नए नए आए थे तो हम 2-3 बार वहाँ पे गए, कुछ स्पेशल मोमेंट्स बनाए स्पेशल लोगों के साथ। बट आज जैसा कि बारिश ने हमारा प्लान चेंज कर दिया, हम आपको कहीं और लेके जाने वाले थे, लेकिन अभी हमने सोचा कि चलो यार ज़्यादा दूर तो नहीं जा सकते, तो अभी इस जगह पे लेके जाने वाले जिसका नाम है सेंट अंद्रे। बड़े भैया पहले गए हो सेंट अंद्रे कितनी बारी? प्रतीक भाई सीन ये है कि अपना एक दोस्त है इटली से आया हुआ, तो उसको भी उठाना है, और एक और दोस्त है शुभ, शुभ को भी उठाना है, और जो है तफरी फुल करनी है, म्यूज़िक फुल हैवी छोड़ना है आपको बताए, और बाकी जाके फिर सेंट अंद्रे जाते हुए जितने व्यूज़ रास्ते में आएंगे वो भी कैप्चर करेंगे, ऑडियंस के साथ शेयर करेंगे, और मिलते हैं फिर सेंट अंद्रे में, ठीक है। तो गाइज यार सीन ये है कि जैसे कि मैंने कुछ अर्सा पहले भी एक वीडियो जो है अपलोड की थी आपको, हंगरी से पोलैंड लेके गए थे। तो यार यूरोप में ना मज़ा बड़ा आता है गाड़ी ड्राइव करने का, क्योंकि यहाँ की सड़कें, यहाँ पे जो कानून है सारा, मतलब उनको फॉलो करते हैं सभी, ना कि इंडिया पाकिस्तान की तरह कोई यहाँ से आ रहा है कोई वहाँ से जा रहा है। तो भी बेसिकली हमारा प्लान तो कुछ और था, प्रतीक भाई को पता है, अभी वो प्लान जो है ऑडियंस को रिवील नहीं कर सकते। जाना हमने कहीं और था, लेकिन आज शायद हमारे मुकद्दर में नहीं था, हमारी किस्मत में नहीं था, तो इसीलिए हमने सोचा कि यार मौसम बड़ा अच्छा है और प्रतीक भाई भी साथ हैं, गाड़ी ऑलरेडी हमने सर्विस करा ली है, गाड़ी पूरी रेडी थी, तो हमने कहा कि यार यूटिलाइज तो करना है आज का दिन, चिल तो लाजमी मानना है, तो इसलिए हमने ये जगह चूज़ किया है। अगर आप लोग हंगरी में रहते हो तो मुझे पता है कि शायद सेंट अंद्रे आप गए होगे, लेकिन यह है कि जगह बड़ी पुरसकून है, अच्छी है, अगर आपने किसी को स्पेशल फील कराना हो, अगर मोमेंट स्पेशल बनाने हो, वहाँ पे आपको नदी के किनारे लेक के किनारे बैठ के जो है लंगोश वगैरह ट्राई कर सकते हो, हंगेरियन फूड आपको मिल जाएगा खाने को, आपको बहुत सारे जो है स्टॉल्स, फूड स्टॉल, ड्रिंक्स वगैरह जो है बार्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। तो अभी यार प्रतीक आ गया, मैं खड़ा हूँ शुभ के घर के सामने, हम लोग खड़े हैं, शुभ पाजी को जो है मैंने कॉल कर ली कि यार आ जाओ यार काइंडली, 1-2 मिनट में वो भी आ रहे हैं, शुभ को उठाते हैं और फिर उसके बाद जो है अपना जो इटली वाला बॉय है बड़े भाई, तो आपने कमेंट्स में भी लिख देना बड़े भाई, ठीक है, वो भी आ रहे हैं, फ्लोरियन तेर एक स्टॉप है वहाँ पे, वो खड़े हैं, उनको उठाते हैं और फिर चलते हैं अपनी जर्नी का आगाज़ करते हैं और फिर आपसे सारे मोमेंट शेयर करेंगे। गाइज मैंने आपको बता दिया है कि गाड़ी का कलर बड़ा शोशेबाज है, बिल्कुल राजा भाई की तरह, ये अपने शुभ भाई को भी पकड़ लिया है, प्रतीक भाई स्टेयरिंग पे हैं, और चलो यार सीट आगे कर दो, अपने जो है इदरीस भाई को उठाते हैं फ्लोरियन तेर से और फिर जो है आपसे मोमेंट जो है शेयर करेंगे। यार सीन ये है कि इदरीस भाई को ढूंढते ढूंढते आधा घंटा हो गया, पता नहीं कहाँ चले गए हैं,
ये तो मुझे मेरी फ्यूचर वाइफ से भी ज्यादा काम करना पड़ा इदरीस भाई को ढूंढते हुए। तो फिर चलो यार इदरीस भाई को उठाते हैं और चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। ओ गाइस, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये किसको हमने पकड़ लिया, ओ माय गॉड, द वन एंड ओनली इदरीस, द वन एंड ओनली बड़े भाई। सीन ये है कि यार आधा घंटा लग गया इदरीस भाई को ढूंढते हुए। हाँ जी बेल्ट लगा लें। हंगरी में एक इशू ये भी है कि जब भी आप गाड़ी में बैठो सबसे पहले अपनी सीट बेल्ट जो है उसको पक्का कर लो, क्योंकि यहाँ पे भाईजान यहाँ पे हर चीज का फाइन है। गाइस अभी हमारे पास जो है इदरीस भाई पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हैं पीछे बैठे हैं। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दूं इदरीस भाई का। इदरीस भाई आप उनको तो जानते ही हैं, ये अपने शुभ नवजोत आनंद फ्रॉम इंडिया, इनको जानते हैं भाई। अच्छा प्रदीप भाई वो हमारे जो हैंडसम पीछे बैठे हुए हैं बड़े भाई, इदरीस भाई हैं फ्रॉम पाकिस्तान, फ्रॉम कराची। अगर आपको इनका नहीं पता तो मतलब आपको पाकिस्तान में किसी का नहीं पता। हमारे प्राइम मिनिस्टर के बाद अगर कोई बंदा फेमस है तो हमारे इदरीस भाई। पर मैं अभी कोशिश में, इन प्रोग्रेस हूँ, इंशाल्लाह मैं भी जल्दी फेमस हो जाऊंगा। तो भी यार ये है, शुभ को पकड़ लिया है, इदरीस भाई को पकड़ लिया है, राजा भी ऑलरेडी आपके साथ हैं, प्रतीक भाई है। हम जा रहे हैं संतंदरे, वहाँ जाएंगे, शुगर मेला करेंगे, लंगोश ट्राई करेंगे और थोड़ा सा तफरी करेंगे और बाकी जो हैवी मोमेंट्स हैं आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। कैसे हुआ, कैसे हुआ, गाइस फुल गैंग वाली वाइब आ रही है क्योंकि हमारे गैंग के जो लीडर हैं वो पीछे बैठे हुए इदरीस भाई। तो मुझे नहीं लगता कि आज हमें कोई रोला होने वाला है, क्योंकि जब आपके लीडर साथ हों, जैसे हमारे पाकिस्तान का लीडर इमरान खान जेल में है, लेकिन आज हमारा लीडर जो है पीछे आ गया है। I don't care. ये वीकेंड क्रेजी होने वाला है, मैंने आपको पहले बता दिया है। सीटें बेल्ट बांध लो एंड लेट्स जस्ट गो विद द वाइब, लेट्स जस्ट गो क्रेजी गाइस। प्यारे गोरी एनी, बेचारे गोरी एनी, यही यही वो लड़का है जिसने मुझे पाकिस्तानी गानों पे लगाया है। और आज ये गाने मैं नहीं सुनता तो मुझे सुकून नहीं आता। मजा आ रहा कोई नहीं इदरीस भाई, आप बताओ आ रहे हमसे मिलने के बाद, इतने इतने टाइम बाद मिले हो, अभी कोई चेंज फील हुआ है नहीं? गाइस तो जैसा कि आपको पता है हम आपको लेके जा रहे हैं सतेंद्र। तो भी टाइम है, मैंने सोचा कि चलो यार थोड़ा बॉयज के साथ खेला जाए। गेम ये है, हम चार लोंडे, नहीं नहीं आप जो सोच रहे हो वो नहीं है, वो नहीं होगा। हम चार लोंडे बैठे हुए हैं, गेम ये है कि हर एक बंदा अपना फेवरेट गाना चलाएगा, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम इदरीस, क्योंकि उसने ऑलरेडी मोबाइल पकड़ा हुआ है। तो भी इदरीस भाई ऑडियंस भी आपका फेवरेट गाना सुनेगी। तो चलो जी सारे बारी बारी चलाएंगे, रिकॉर्ड करेंगे, ऑडियंस भी बताएगी कि किसका गाना सबसे अच्छा था। तो अभी पहली बारी आपकी, अपना फेवरेट गाना चला दूं, लगा दिया आज का सुन रहे हो, ठीक है ठीक है। ये वाला नाम क्या है इसका? मुंडे बिजी, मुंडे बिजी, माहौल पे पूरा वाइब बज रही है ब्रो। गाइस ये था हमारे इदरीस भाई का गाना। अभी अपने शुभ पाजी की बारी है,
पाजी गाना चला रहे हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि पाजी की चॉइस क्या है। पाजी गाना आ गया, गाने का नाम क्या है भाई? गाने का क्या नाम था? मुंडे 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 बीसी। अगला गाने का नाम है गली बॉय। गली बॉय माय बॉय इन द हाउस बेबी। गली भाई अभी आ गए तो चलो गली भाई को थोड़ा कैप्चर करते हैं। आपको पता है हम भी गली बॉयज हैं। गाइस सीन ये था कि गाड़ी का पेट्रोल काफी लो हो गया था तो हमने सोचा कि आज गाड़ी को फिल कर लिया जाए क्योंकि इदरीस भाई आए हुए हैं तो हमने सोचा कि इनकी हाफित वादा में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आपको पता है हम मेहमान नवाज लोग हैं, पाकिस्तानी हैं तो वो अपना इंडियन भाई है तो अभी हम जो है इनकी मेहमान नवाजी में जो है बोलो सॉरी मैं कैमरे में रिकॉर्ड नहीं कर सकता गाइस। तो ये है कि अभी गाड़ी का पेट्रोल डलवा लिया है। चलो यार कुछ पीने के लिए लेते हैं। दरीश भाई आ जाओ यार अंदर ही बड़ा है। हाँ तो यार गला सूख रहा है, वो गाना भी है ना, गला तो सूख रहा है। दरीश भाई गाना है गला सूख रहा है। सच्चाइया बोल रहे हो तो चलो अभी इनमें चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि अभी हमने क्या पीने के लिए लेना। अभी यार कांड होने वाला था, कांड होते होते बच गया। बच गया इसलिए कि जो भाई है ना प्रतीक भाई ये थोड़ा ना स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हैं और ये था कि इन्होंने पेट्रोल डलवाया है, डलवाते साथ ही इन्होंने एप्लीकेशन से जो है पे कर दिए पैसे। और जब हम शॉप के अंदर आए तो लड़की कह रही है कि ये एप्लीकेशन से जो है पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करते, आपको दोबारा देनी पड़ेगी। तो वो सीन ऐसा हुआ कि आपको बताया हमारा लीडर साथ है तो उसने बोला कि एक बार हमने पे कर दिया तो कर दिया, वी डोंट केयर। तो अभी सीन ये है कि मैंने हेलो उठा लिया है, प्रतीक भाई ने भी हेलो उठा लिया है, इदरीस भाई हॉट चॉकलेट उठाया। अब हॉट लोग हॉट चॉकलेट ही पियेंगे आपको पता है। चलो यार थोड़ा सा पारी कॉल पे यार। अच्छा ये है कि अभी इंजॉय करते हैं, चिल करते हैं और फिर आपको लेके चलते हैं एक ऐसी जगह पे जहाँ पे उसने हमें छोड़ दिया। गाइस जाने से पहले दो चीज़ें मैं आपको बता दूँ। पहली चीज़ यह है कि वो लड़की जो जिसको अभी मैंने अंदर दिखाया आपको कि हम पेट्रोल डलवाया, वो कह रही थी कि आपने पैसे पे किए हैं या नहीं। उसने हमसे पूछा कि आपके पास एप्लीकेशन है तो मैंने बोला कि पेट्रोल पंप की एप्लीकेशन तो नहीं है मगर टिंडर है। आप मासूम लोग हैं हमें क्या बता। वो दूसरा वो अपने इदरीस भाई जो हैं इनके बारे में बताता चलूँ, मेरी तो पीआर आ गई है, मुझे लगता है कि आने वाले वक्तों में इनकी भी पीआर आ जाएगी और ये शायद पूरी दुनिया में पहले बंदे होंगे जो रह कहीं हो रहे हैं और पीआर कहीं और भी उठा ली इन्होंने। आप कमेंट्स में बता देना और दुआ करना कि इनकी पीआर आ जाए। अभी कनाडा कनाडा की पीआर ले रहे हैं वॉइस ये गाड़ी अपनी। चलो जी यार अभी यहाँ से अपने सफ़र की शुरुआत करते हैं। चलो यार प्लान में थोड़ा ट्विस्ट आ गया, हम आपको लेके जाने वाले थे संतंद्रे लेकिन अभी हम आपको लेके जा रहे हैं विशेषग्रात। मैं पहले तो कभी गया नहीं हूँ तो चलो यार आपको भी दिखाते हैं, साथ में खुद भी वो जगह कैप्चर करते हैं और थोड़ी सी मेमोरीज बनाते हैं। तो अभी पाजी ने गाना चलाया गली बॉय, बॉय ने चलाया था मुंडे बिजी और अभी मेरी बारी है। तो चलो यार मैं अपना फेवरेट गाना चलाता हूँ और आप लोगों से शेयर करता हूँ, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। गाइस फाइनली हम लोग आ गए हैं उस जगह पे। मैंने आपको बताया था कि हम आपको संतंद्रे लेके जाने वाले थे लेकिन प्लान में थोड़ा ट्विस्ट आ गया, चेंज आ गया। तो अभी हम लोग गलती से थोड़ा आगे आ गए थे तो मैंने बोला कि अब आगे आ गए तो चलो इस जगह को भी कैप्चर किया जाए, व्लॉग में ऐड किया जाए। इस जगह का नाम है विशेषग्रात। ये जगह बड़ी पुरसकून है, बड़ा खूबसूरत व्यू है, मंजर है। तो अगर मैं आपको दिखाता चलूँ ये इसकी सराउंडिंग है, 360 व्यू है। वो टॉप पे अगर आप देख सकते हैं तो ये विशेषग्रात का कैसल है। तो अभी हम लोग ऊपर जाने का सोच रहे हैं, देखते हैं कि ऊपर जाके हमें व्यू कैसा दिखेगा। तो सामने आपको
डेन्यूब जैसा जो है व्यू देखने को मिल जाएगा, लेक मिल जाएगी। तो प्लान अपना ये है, मैंने बॉयज़ को बोला है चलो यार थोड़ा विशेषग्राज को एक्सप्लोर करते हैं, नदी में जाएंगे, थोड़ा इन्जॉय करेंगे, नहाएंगे, उसके बाद आपको लेके जाएंगे उस कैसल की टॉप पे, चोटी पे, वो जो बहुत दूर है। अगर कैमरे की आंख इसको कैप्चर कर सके तो चलो बॉयज। बॉयज व्हाट्स द प्लान, करना क्या अभी ये बता दो। संतंद्रे यहाँ पे कुछ करना नहीं क्या? चलो यार फिर अभी ये थी विशेषग्राज का जो 360 व्यू मैंने आपको दिखा दिया, तो चलो इसको थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपसे शेयर करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, पीस आउट गाइस। ये गाना रिलीज करने चला दिया है और बाकी ये मुझे मेरे पास पे ले जाएगा। ये गाने ने मुझे वो मोड़ याद करा दिया जब उसने आखिरी बार मेरे हाथ में हाथ दिया था और बोला हिप्पी वी विल मीट वन डे। आज तक वो दिन नहीं आया तो हाँ जी गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं राइट इन द मिडल ऑफ मुनाल इस्लामाबाद। नहीं शायद मजाक करूं तो पहुंच चुके हैं अभी हम लोग सेंतंद्रे। अगर मैं आपको इसकी सराउंडिंग दिखाऊं, इसका 360 व्यू दिखाऊं, तो ये रहा इसका 360 व्यू आप लोगों की स्क्रीन पे। कमेंट्स में मुझे बता देना सेंतंद्रे आपको कैसा लगा, क्योंकि अभी तो शुरुआत है, एंट्रेंस है, साथ साथ आपको लेके चलते हैं, वॉक करते हैं और ये सिटी पूरा जो है कैप्चर करते हैं। गाइस तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं सिटी सेंटर में। तो प्लान अभी ये है कि अपने प्रतीक भाई हैं, गाड़ी इन्होंने अभी जो है पार्किंग हमने बाय कर ली है 2.5 घंटे की, पर आवर्स इस पार्किंग की जो फीस थी वो थी 1000 फोरेंट। तो हमने अभी 2 घंटे के लिए पार्किंग बाय कर लिया है, मतलब 2000 फोरेंट। उसके बाद 8 बजे के बाद जो है पार्किंग फ्री हो जाएगी, तो फिर हमारी गाड़ी यहाँ ईजिली रुक सकती है, खड़ी रह सकती है, चलान या फाइन नहीं हो सकता। तो चलो यार अभी सिटी में पहुंच चुके हैं, थोड़ा सा सिटी को एक्सप्लोर करते हैं, उसके बाद कुछ हंगेरियन चीज़ें ट्राई करते हैं। हंगेरियन चीज़ों से मुराद लंगोश वगैरह खाएंगे, कुछ खाना खाएंगे और वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे। अभी हम लोग खड़े हैं बोट स्टेशन पे, आपको इन्फॉर्मेशन देता चलूं कि हम आपको संतंद्रे लेके हैं। तो बुढ़ापुर से संतंद्रे आने के 2 तरीके हैं, या तो आप जो है ट्रेन लेके आ जाओ, गाड़ी के थ्रू आ जाओ, या दूसरा है बोट के थ्रू। तो अगर मैं बोट का स्टॉप आपको दिखाता चलूं तो ये संतंद्रे में बोट का स्टॉप है। और मज़े की बात है कि आप बोट से अगर बुढ़ापुर से संतंद्रे आते हो तो वन साइड की जो टिकट है वो ऑलमोस्ट 4000 फोरेंट है। आप 8000 फोरेंट में संतंद्रे से बुढ़ापुर से संतंद्रे आ सकते हो। स्टूडेंट्स के लिए डिस्काउंट है, वो मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन यह है कि अगर फुल फी 4000 है तो लेट्स से 20 से 2500 फोरेंट स्टूडेंट को पे करना पड़ेगा। इसके अलावा आप संतंद्रे से एस्ट्रगोम भी जा सकते हो, विशेषग्राज भी जा सकते हो, उसकी टिकट हमने चेक की है ऑलमोस्ट 2500 फोरेंट विच इज़ चीप। तो आप ये कह सकते हो कि अगर आप संतंद्रे घूमने आते हो तो आप यहाँ से विशेषग्राज भी जा सकते हो और बुढ़ापुर भी जा सकते हो, एस्ट्रगोम भी जा सकते हो। तो अभी हम साथ साथ ये सिटी जो है कैप्चर कर रहे हैं, इसका व्यू कैप्चर कर रहे हैं, और सबसे ख़ास बात कोई रेस्टोरेंट ढूंढेंगे, वहाँ पे खाना खाएंगे और वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे। तो गाइस आपको बताता चलूं कि अगर आप कल को संतंद्रे घूमने आते हो तो यहाँ पे आप हंगेरियन एक डिश है, एक
स्नैक्स टाइप है, आप वो खा सकते हो जिसका नाम है लंगोश। तो अभी हमने आपको वो बहुत बड़ी लाइन दिखाई, वो लंगोश के लिए लोग खड़े हैं। लंगोश अगर हमारी जुबान में कहा जाए तो तला हुआ नान है, जैसे हमारा आलू वाला नान नहीं था। यहाँ पे ये चीज़ ऊपर रखते हैं, प्याज डालते हैं, गार्लिक जिंजर, इवन चॉकलेट वाला लंगोश भी होता है। आप यही समझ लो कि चॉकलेट वाला तला हुआ नान। तो बाकी चलो यार अभी आपको ये पूरी सिटी दिखाते हैं और इसके व्यूज जो हैं आपसे शेयर करते हैं। यार ये संतंद्रे में जगह फेमस है आइसक्रीम के लिहाज से। अगर आप लोगों ने आइसक्रीम खानी हो इस जगह से जो फेमस है, तो आप इस काइंडली शॉप पे आ सकते हो। अभी हम लोग भूखे हैं, हमने खाना नहीं खाया हुआ सुबह से, तो हम लोग रेस्टोरेंट ढूंढने हैं और फिर कुछ खाना खाते हैं। तो गाइज अभी हमने एक बहुत ही नायाब चीज़ हमने फाइंड की है राइट इन द मिडल ऑफ संतंद्रे सिटी सेंटर। तो चलो यार अभी आपको दिखाते हैं, इसको कहते हैं हैंड पंप। तो अभी हमारे साथ पाजी हैं, पाजी लोगों को बताया जाए कि ये हैंड पंप कैसे यूज होता है। मैं बताने के लिए दिखाऊंगा उनको भी। थ्री टू वन गो। तो गाइस आपको बताते चलें कि हमारे पाकिस्तान में लाहौर में एक गली है जिसको हम अक्सर कहते हैं निकाह वाली गली। निकाह वाली गली इस तरह के, उसमें स्पेस बहुत कम है, तो एक ही टाइम पे लड़का लड़की नहीं निकल सकते। तो ये हमें संतंद्रे में भी ऐसी गली मिली है, आप देख सकते हो एट अ टाइम एक बंदा ही अंदर जा सकता है या बाहर आ सकते हैं। तो मजे की बात है, कैमरा मैन मुझे फॉलो करते जाओ। ये सिटी सेंटर की जो मेन फेमस स्पॉट है इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपको द बेस्ट लंगोश मिल सकता है। तो चलो यार अभी आपको दिखाते हैं वो वाली जगह, मेरे साथ आ जाओ। अगर आप यहाँ पे नहीं आए ना संतंद्रे में होने के बावजूद, तो आपका जो ट्रिप है संतंद्रे वाला इनकम्प्लीट। तो गाइज अभी हमने दो तरह के लंगोश ऑर्डर किए थे, एक था विद चीज और दूसरा था चिकन लीवर एंड ऑनियंस। तो चलो आपको दिखाते हैं, ये रहा चीज वाला, ये रहा विद चिकन लीवर एंड ऑनियन। अगर आप संतंद्रे में आए और ये चीज़ें ना ट्राई करें तो आपका यहाँ आने का कोई फायदा नहीं है, कोई मकसद नहीं है। तो बाकी भूख बहुत लगी है, शुरू करते हैं गाइज, लेट्स स्टार्ट। तो गाइज हम लोग जैसे कि मैंने आपको दिखाया, हमने लंगोश खाया, खाने के बाद हमने थोड़ा सिटी के अराउंड वॉक किए। वॉक करते करते हम एक अच्छी सी लोकेशन पे पहुंचे हैं जहां पे हम लोग जो है ड्रिंक्स पियेंगे, इंजॉय करेंगे। तो ये बड़ा पुरसकून माहौल है, पुरसकून वाला मोमेंट है। और जिस बार में जहां पे हम लोग लेमनेड वगैरह ड्रिंक्स वगैरह पियेंगे उसका नाम है कचाको। तो काफ़ी अच्छी जगह, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आई तो आप भी जब भी संतंद्रे में घूमने आए तो यहाँ भी लाजमी है ना। इसका जो व्यू है वो कुछ ऐसा है, इसके सामने नदी बह रही है, ये वही नदी है जिसकी मैं बात कर रहा था। आप इस नदी के थ्रू बुदापेस्ट जा सकते हो, एस्टरगम जा सकते हो, विशेग्राद जा सकते हो बाय बोट। और ये इसका व्यू है, आप देख सकते हैं कि काफ़ी लोग जो है नदी के किनारे बैठ के रिलैक्सेशन जो है इंजॉय कर रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं। ऐसा ही है, वो अपने प्रतीक भाई सामने बैठे हुए हैं, हैवी गाड़ी के हैवी ड्राइवर। तो अभी जो है हमारी जो दोस्त हैं वो ड्रिंक्स लेने गए हैं। तो चलो मैं थोड़ा आपको नदी के पास लेके जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि मेनली जो है इसका व्यू कैसा है। एक और चीज़ आप लोगों से शेयर करूं कि मैं आज से 3.5-4 साल पहले इस जगह पे आया था
तो जब भी मैं इस जगह पे एंटर हुआ हूँ, मतलब हमने वो कचाको जो बार है वो देखा है, तो हमें 4 साल पहले की जो मेमोरीज है वो याद आ गई। तो बताने का मकसद ये है कि यार चीज़ें ना हमेशा आपके लोगों और आपके मोमेंट्स के साथ जुड़ी होती हैं। जैसे हम आज इस जगह को देख के, इस मोमेंट को देख के अपने पास्ट में चले गए। तो अभी बॉयज़ अपने ड्रिंक्स लेके आ रहे हैं, वो सामने अपने बॉयज़ आ रहे हैं, ड्रिंक्स लेके आ रहे हैं और यहाँ पे बैठते हैं, ड्रिंक्स को एंजॉय करते हैं और जगह जो आपसे शेयर करते हैं। उसके बाद फिर हम जाएंगे बैक टू बुडापेस्ट। हाँ जी गाइज, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग एक बार में बैठे हुए हैं। इस बार पे आज से मैं तकरीबन 4 से 5 साल पहले आया था और ओपन बार है, रिलैक्स कर रहे हैं अभी, चिल कर रहे हैं। तो अभी थोड़ा पाजी यार सैड लग रहे, तो मैंने अचानक पूछा पाजी थोड़ा यार चुप थे बैठे हुए, तो मैंने अचानक पूछा कि पाजी माजरा क्या है, सिचुएशन क्या है। तो यार पाजी ने मुझे एक किस्सा सुनाया, तो मैंने कहा यार ऑडियंस को भी बताया जाए ताकि उनको भी मोटिवेशन मिले, वो भी अपने सही टाइम का वेट करें। तो चलो यार पाजी साथ बैठे, इनसे बात करते हैं, गपशप लगाते हैं। मूवमेंट अच्छा है, टाइम अच्छा है, लोग बॉयज अपने ये बैठे हैं, पाजी ये बैठे हैं, सामने नदी है, हम उसको मिस कर रहे हैं और साथ में पाजी की स्टोरी जो है कैप्चर करते हैं। तो पाजी यार ऑडियंस को थोड़ा बताएं, आज जैसे कि आप मुझे बता रहे थे आपका भाई जो है आज इंडिया से फ्लाई किया है, कहाँ जा रहा है आपका भाई? टोरंटो कनाडा। बहुत बड़ी बात है, तो वो इंडिया से टोरंटो घूमने के लिए। तो आप मुझे बता रहे थे कि काफी टाइम लग गया, काफी लंबी फ्लाइट है ना, लंबी फ्लाइट है नहीं। मुझे एक चीज बताओ, जब किसी बंदे ने इंडिया से कहीं बाहर फ्लाई करना होता है, लेट्स से कनाडा की बात करें, कितने के पैसे में आपके भाई का जो टूरिस्ट वीजा लग गया कनाडा का, टोरंटो का? देखिए टूरिस्ट वीजा में कोई इतना पैसा नहीं लगता है, अपने रिक्वायरमेंट पूरी करें, चेक करें, वही जो इमिग्रेशन फीस होती है वही लगती है, उसके अलावा कुछ नहीं लगता। 70,000 इंडियन INR में आपका भाई जो है टूरिस्ट वीजा लेके कनाडा जा रहे हैं। बिल्कुल यार, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हमारे पाकिस्तान में अगर मैं अपनी बात करूं तो बहुत मुश्किल है, लोगों लाखों रुपए देने के बाद भी उनका वीजा नहीं लगता, बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, बड़ी परेशानी आती हैं। तो बाकी है कि सबसे बेस्ट आंसर ये है कि आप सारे पढ़े लिखे लोग हैं, एजेंट के चक्कर में मत पड़े कभी भी। अगर आप एजेंट के चक्कर में पढ़ना चाहते हैं तो आप उसे गाइडेंस दे सकते हैं। सबसे बड़ी चीज आजकल हमारे फोन हाथ में फोन रहता है, इंटरनेट में जाएं, वेबसाइट पे जाएं, कैनेडियन एम्बेसी की वहाँ पे सारी चेकलिस्ट होती है, वहीं पे अप्लाई करें, डेट लें और सीधा फीस भरें। तो भाजी जो आपके भाई का जो सारा प्रोसीजर हुआ है पासपोर्ट जमा कराने से लेके वीजा लगने तक, उसको कितना टाइम लगा? कुछ एक महीने के अंदर, एक महीने के अंदर। तो यार बड़ी अच्छी बात है कि यार आज माशाल्लाह भाई ने भी काफी चीजें अचीव कर ली। तो आज शुभ के भाई जो है कनाडा टोरंटो जा रहा है, तो बाकी ये है कि लगे रहो, कभी ना कभी आपका भी जैकपॉट लगेगा, आप भी हमारी तरह हंगरी शियो फोक संतंद्रे। मजे वाली बात एक थी, सुबह में उठा, मैसेज पड़ा उसका, यस कहता मेरा प्लेन ना हंगरी के ऊपर से क्रॉस कर रहा है। ओए, 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 प्यार है, गाल दिल से लग गया यार, बहुत सही बात है। तो उनका थल्ले देख के मैं सोता हूँ। बाकी सारी बातें चलो सही है, पाजी ने बता दिया कि कैसे इनके भाई ने स्ट्रगल की। अब इंडिया से उसने कितने पैसे लगा दिए, फिर एट द एंड ऑफ द डे उनका टूरिस्ट वीजा लगा, आज वो कनाडा टोरंटो को निकल पड़े हैं। तो बात ये है कि हमने कोशिश की है कि इस ब्लॉग के सारे मोमेंट्स जो हैं कैप्चर किए जाएं, आपसे शेयर किए जाएं। और सबसे बड़ी बात, हमारे आज लीडर आए हुए थे इटली से। तो गाइज फाइनली ये था हमारा आज का ब्लॉग, उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको लाजमी शेयर करना, लाइक करना, कमेंट कर देना और अपनी ओपिनियन जो है लाजमी बताना कि आपको व्लॉग में कौन सा मोमेंट पसंद है। तो बाकी आज मेरे पास आप सब लोगों के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। सरप्राइज़ ये है कि नहीं, वो जो आप सोच रहे हो वो नहीं मिली, सरप्राइज़ कुछ और है। सरप्राइज़ ये है कि आज मेरे व्लॉग की जो क्लोजिंग है, मेरे लोंडे द वन एंड ओनली द गैंग वो करेंगे। तो अभी
चलो जी कैमरा घुमाते हैं, वॉइस प्रतीक भाई, नवजोत सिंह, और उसके बाद इदरीस भाई द बड़े भाई बॉय। अब ब्रो आप क्या कहना चाहोगे, ब्लॉग की क्लोजिंग कर दो। उम्मीद करते हैं कि आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। आपने ब्लॉग को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक भी करना है और कमेंट भी कर देना है, उसके बाद बेल आइकन दबाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, टेक केयर, चाओ एंड पीस आउट।